इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। डेवलपमेंट है और वो ये है कि जब पूरी मुसलमान दुनिया ये कह रही है जनाब कि इसराइल ने गजा के ऊपर जो 11 दिन का जो वायलेंस किया और उसके बाद 21 मई को जो सीज फायर हुआ और 67 के करीब जो बच्चे थे वो मारे गए, शहीद हुए और कुछ 250 के करीब फलस्तीनी जो हैं वो अपनी जान से गए, तो इस वक्त तो यूएई और इसराइल जो है वो तो कारोबार की डील कर रहे हैं। इस वक्त अगर आप देखें तो जो अरमानी होटल है जो कि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी स्काई स्क्रैपर जो दुबई में है, बुर्ज खलीफा, वहां पे वो जो है वो डायलॉग कर रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं। तो क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो मुसलमान दुनिया है, मुसलमानों को नहीं पता कि मुसलमान एक तरफ जो है वो मारे जा रहे हैं, दूसरी तरफ इसराइल के साथ जो यूएई डील कर रहा है और वहां पे जो है वो ग्रीटिंग्स एक्सचेंज हो रही हैं, वो जो इसराइली है वो हेब्रो में कह रहे हैं शलोम और जो अरबी है यूएई वाले हैं वो सलाम कर रहे हैं उनको, तो और बात हो रही है कि टूरिज्म को कैसे प्रमोट करना है। और अभी तो इस बात को 10 दिन भी नहीं हुए, 10 दिन पहले सीज़फ़ायर हुआ है, टूरिज्म हो रही है, जॉब्स के ऊपर बात हो रही है, टेक्नोलॉजी को कैसे शेयर करना है, और दोनों ममालिक की जो ट्रेड है वो $350 मिलियन क्रॉस कर चुकी है और 25 से ज्यादा जो है वो एग्रीमेंट्स जो हैं वो दोनों ममालिक के दरमियान हो चुके हैं, 15 सेक्टर्स में ये एग्रीमेंट हो चुके हैं। ये यूएई ऐसे क्यों कर रहा है? ये बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल है व्यूअर्स हमारे समझने की कि किस तरह आपने कारोबार को अलहदा रखा, बिजनेस को अलहदा रखा है आपने एक कॉन्फ्लिक्ट से। और मैं समझता हूं यही पाकिस्तान और भारत को भी करना चाहिए। पूरी मुस्लिम उम्मा जब बात कर रही थी कि जनाब मुसलमानों का जो खून बड़ा सस्ता है और जो यूएई ने तो इस चीज को परवाह नहीं की, उन्होंने कहा भाई ये एक पुराना डिस्प्यूट है, इसमें बहुत सारी जानें जा चुकी हैं, अरब वर्ल्ड ने अपना जो करना था कर लिया, इसराइलियों ने अपना कर लिया, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या उस जो एक कॉन्फ्लिक्ट है उसके नीचे दब जाना चाहिए या कि उसके लिए रास्ते तलाश करने चाहिए। जितना ज्यादा कोऑपरेशन होगा, जितना ज्यादा इंगेजमेंट होगी, जितना ज्यादा आप दोनों जो ममालिक जो है वो आपस में मिलेंगे तो चीजें तो बेहतर होंगी। लेकिन बुर्ज खलीफा में बैठ के, अरमानी होटल के बालरूम में बैठ के दोनों ममालिक जो हैं वो अपने दोनों अवाम के लिए अपॉर्चुनिटीज तलाश कर रहे हैं, और शायद मुसलमान दुनिया में कोई ऐसा मुल्क भी नहीं होगा जो बोलेगा इसके ऊपर, क्योंकि किसकी हिम्मत है कि वो कहे यूएई को कि आप ये क्यों इसराइल के साथ डायलॉग कर रहे हैं, क्यों इसराइल के साथ कारोबार कर रहे हैं। और मजे की बात तो ये है कि इवन यूएई ने ये सोचा कि हमें कुछ ममालिक से वीजे जो हैं वो देने बंद करने चाहिए, जिसमें पाकिस्तान भी एक है, कि शायद कोई पाकिस्तान से या कोई और मुस्लिम ममालिक से कोई ऐसा बंदा यहाँ पे ना आ जाए जो यूएई पे कोई हमला करने की कोशिश करे या ये कहे कि आपने इसराइल के साथ ताल्लुकात क्यों बनाए। और उन्होंने जो ऊपर कवर डाला वो कोरोना का डाला, जी कोविड की वजह से हम जो है ये वीजे पाकिस्तानियों को और बाकियों को ममालिक को बंद कर रहे हैं ताकि ये जो ताल्लुकात बढ़ रहे हैं इससे कोई इस तरह की ट्रैवलिंग ना हो। सो उनको यूएई वालों को इस चीज का अंदाजा था कि पाकिस्तान के अंदर जो पब्लिक ओपिनियन है वो किस तरह रेडिकलाइज हुई हुई है और उसका नुकसान जो है वो यूएई को और उसके जो वहां पर उन्होंने एक सिक्योरिटी एनवायरमेंट जो है उसको हो सकता है। और अबव ऑल जो बात मुझे परेशान करती है कि अगर खुदा ना खास्ता एक कोई इस तरह का वाकया हो जाता है वहां पे कि यूएई और इसराइल के ताल्लुकात जो बने हैं उसकी वजह से वहां पे यूएई पे इस बहस पे इस वजह से कोई हमला कर दिया जाता है, कोई छोटा सा उनकी एम्बेसी के बाहर कुछ हो जाता है और समथिंग रिलेटेड टू दिस, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? तो हमारे ऊपर या जो इस्लामिक ममालिक के ऊपर पहले ही मगरब में, वेस्ट में जाने पर और अमरीका में जाने पर बड़ी पाबंदियां लगी हुई हैं और वीजे बड़ी मुश्किल मिलते हैं, तो कल को वहां पर भी वीजे जो है वो बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। और मजे की बात यह है कि यूएई वालों ने जब फॉरेन मिनिस्टर कुरेशी वहां गए थे तो उनको बताया था कि भाई
हमें इस चीज की परेशानी है कि जो आपके लोग यहाँ दुबई में, अबू धाबी में और बाकी स्टेट्स में बैठे हुए हैं, ये हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं और हमारा ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं इसके बारे में वो ये कह रहे हैं कि ये गलत कर रही हुई, तो आप अपनी कम्युनिटी को समझाएं यहाँ पे। तो फिर फॉरेन मिनिस्टर जब गए, मेरे ख्याल ट्वाइस अभी तक जा चुके हैं, और उन्होंने फिर पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब भी किया और उनको कहा कि किस तरह की अप्रोच रखने की जरूरत है ताकि हमारे लिए मजीद मसले पैदा ना हो सकें। दैट इज वॉट इज अ पॉइंट जिसको समझने की भी जरूरत है और जो इस वक्त हमारे सामने भी। तो गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो गाइज़ आपको बता दें कि पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, इन देशों के मुसलमान स्पेशली, और टर्की, ईरान, इन देशों के मुसलमानों के लिए एक और बुरी खबर। आपको बता दें कि यूएई ने पहले ही अपने रिश्ते इसराइल के साथ नॉर्मल कर लिए थे, दोनों देशों के बीच फ़्लाइट चालू हो गई थी। यूएई के साथ बहुत सारे अरब के देश थे, उन्होंने रिश्ते नॉर्मल किए थे इसराइल के साथ, यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया के भी नॉर्मल रिश्ते होने वाले थे। तो यूएई ने अभी फिर से जो व्यापार है चालू कर दिया है इसराइल के साथ। आपको पता है यूएई ने ये चालू किया तो मिर्ची किन देशों को लगेगी, और अभी फिलिस्तीन और इसराइल के बीच जो हुआ है इतना पेला गया है यूएई के फिलिस्तीनियों को इसराइल के द्वारा, और उसके बाद जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है उसको लेकर ये अपने फिलिस्तीनी सेलिब्रेट कर रहे थे, पाकिस्तानी भी सेलिब्रेट कर रहे थे, इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। तो गाइज़ आपको भी पता है कि यूएई एक ऐसा देश है जिस दिन इनका ऑयल ख़त्म होगा ये देश भूखे मरने की कगार पर आ जाएंगे, अगर ये अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे। तो उस नज़रिए से यूएई अपना इन्वेस्टमेंट हर देश में कर रहा है, हर जगह से पार्टनरशिप कर रहा है, हर जगह से टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहा है जिससे इनका ऑयल ख़त्म होने के बाद ये देश सरवाइव कर सकें। उस नज़रिए से यूएई सोचता है, ना कि पाकिस्तान की तरह आज से 20 साल पहले कश्मीर का सोचते थे, उससे 40 साल पहले कश्मीर का सोचते थे, 60 साल पहले कश्मीर का सोचते थे, और आने वाले 60 साल तक भी ये कश्मीर कश्मीर करते रहेंगे, इनको कुछ भी चिंता नहीं है अपने भविष्य की। तो गाइज़ यूएई ने जो इसराइल के साथ अभी जो व्यापार अपना चालू किया है आफ्टर फिलिस्तीन, जो अभी फिलिस्तीन कांड हुआ है उसके बाद, तो आप समझ सकते हो दोनों देशों के बीच कितने अच्छे रिश्ते होंगे, क्योंकि आपको भी पता है सारा मुस्लिम वर्ल्ड इसराइलियों के लिए एक ही मतलब वो रखता है, क्या दुआ कि मर जाए वो पूरे साले, एक दिन में ख़त्म हो जाए, ऐसा भारत के तो स्पेशली रखते हैं। आपने कमेंट सेक्शन में देखा होगा बड़े बड़े लोग, एजाज खान जैसे लोग कमेंट सेक्शन में ऐसा लिख चुके हैं कई लोगों को रिप्लाई देते हुए, तो ये तो सोच है यहाँ के लोगों की। तो गाइज़ अब ये लोग भी जो भारत के लोग हैं जो बहुत ज़्यादा, मतलब अभी आपको याद होगा ऑक्सीजन आई थी यूएई से भी आई थी, सऊदी अरेबिया से आई थी, तो ये लोग ऐसा बोल रहे थे जैसे इनके बाप ने ऑक्सीजन भेजी है। आपको भी पता कि भारत ने उनको वैक्सीन भेजी थी, भारत ने उनकी हेल्प की थी जब उनको ज़रूरत थी, तो जब हमें ज़रूरत पड़ी तो उनने हमें भेजी, लेकिन ये ऐसा शेयर कर रहे थे देखो यहाँ से मुस्लिम देशों से ये आया वो आया फलाना ठिकाना, मतलब कोई लॉजिक नहीं है। अब लोना पक्ष यूएई का, यूएई खुल के इसराइल का साथ दे रहा है, लो अब नहीं लोगे, है ना? तो आप समझ सकते हो दोस्तों, अब ये लोग गाली देंगे, अब ये उनको बोलेंगे कि अरबी बिक चुके हैं, अब इनका बाप फिर से वो तैयब अर्दगान बन जाएगा टर्की वाला, यही कि स्पेशली सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों की बात कर रहा हूँ मैं। तो गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, उसे ज़रूर दबाएँ।